हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस के ऑनलाइन अकेडमी। आज हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपको प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ ट्रिक, जो कि आपको जानना है। तो क्या ट्रिक है, सो वीडियो में बने रहिए और हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, समझ में आपको जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इजक्ल टू फोर देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इजक्ल टू वाई। तो ऑप्शन हमारा दिया जाता है, चार ऑप्शन दिया जाता है। 16 जैसे दिया गया है, ए इजक्ल टू 16, बी इजक्ल टू 14, सी इजक्ल टू 15, डी इजक्ल टू 10। इसमें से हमको एक करेक्ट आंसर मानना रहता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक आता है, जो कि ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नोट के रूप में आपको बताते हैं, इसको गौर से देखिएगा क्या इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसमें बनाएंगे क्या, ये एक कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिएगा। प्लस अगर रहेगा और प्लस रहेगा तो हमें साइन लेना है क्या, माइनस का साइन, समझ गए। प्लस रहेगा प्लस, अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो हम साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अगर माइनस है तो साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, समझ गए। अगर ये माइनस है तो हम साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। चलिए, उसके बाद ये साइन प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, तब क्या लेंगे साइन, तब पर भी प्लस लेंगे। या ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो हम साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। चलिए, उसके बाद या माइनस एक हो जाए, ये एक प्लस हो जाए, तो साइन क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे, समझ गए। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, सो देखिएगा। तो आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या करना है आपको। प्लस प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस प्लस रहेगा तो प्लस। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, तो आप सिर्फ याद करिएगा, प्लस प्लस अगर जहाँ भी रहे उसमें माइनस लगाएंगे, बाकी जो भी साइन रहेगा उसमें प्लस लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी को यूज़ करना है। तो देखिए, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वाट। अगर स्क्वायर के फॉर्म में बोले निकालने के लिए आंसर, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसका, ये जो फोर है इसको हम स्क्वायर करेंगे, फोर का स्क्वायर करेंगे। और देखिए, प्लस और प्लस है तो प्लस प्लस है तो क्या साइन लेंगे, माइनस, माइनस साइन लिए, और ये जो स्क्वायर है हम यहाँ लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, फोर फोर जा 16 माइनस टू, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 14, जो कि हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर बी क्या होगा, हमारा सही होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वाट। तो प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसका थ्री का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस प्लस है, और ये एक स्क्वायर जो है यहाँ पर रख देंगे, इस स्क्वायर को यहाँ रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 माइनस टू इक्वल टू क्या आएगा, 7, जो कि हमारा बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा, समझ गए। चलिए, अब हम बात करते हैं क्यूब के रूप में जब रहेगा, तो मतलब एक्स टू द पावर 3 रहेगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू देन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू वाट। इस तरह का रहेगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। ये क्यूब देख रहे हैं, जैसे स्क्वायर में हम किए थे, इसका स्क्वायर कर दिए थे, उसी तरह क्यूब में क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे साइन प्लस है तो क्या लेंगे, साइन माइनस लेंगे। अब क्या करना है, इसको हम क्यूब कर दिए, अब ये जो एक्स टू द पावर क्यूब है, ये 3 और ये 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा कितना होगा, 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 6 2। तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, 2 आंसर सही होगा, समझ गए। 8 माइनस 6 कितना आसान था।
एक्स टू द पावर थ्री रहेगा तो क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है ये एक्स प्लस वन बाई एक्स का जो वैल्यू टू है उसको हम क्यूब करेंगे। क्यूब करने के बाद प्लस और प्लस देखेंगे, साइन देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद ये जो क्यूब है इसको इस टू से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो कर दिए 8 - 6 = 2, तो समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए उसी पे है, क्यूब पे है। एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव, देन एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू वाट। तो देखिए साइन यहाँ पे माइनस है, माइनस है, तो हम क्या बताए थे, माइनस माइनस रहे तो हम साइन लेंगे प्लस। तो चलिए लेते हैं, इसका हम क्या करेंगे, फाइव का क्यूब करेंगे, माइनस माइनस साइन है तो क्या लेंगे हम, प्लस, और ये क्यूब को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फाइव थ्री ज़ा 15, चलिए अब फाइव का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमको, 125 प्लस और ये 15, तो इसको ऐड करके कितना आएगा हमारा, 140 आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा, एक्स टू एक्स, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री, देन एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर, इसका वैल्यू अब फोर के रूप में रहेगा, मतलब एक्स टू द पावर फोर रहेगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आएगा जो आप। एक मिनट, एक्स टू द पावर फोर को हम अगर इस टाइप से लिखें, टू इंटू टू, फोर को हम अगर टू इंटू टू लिखें तो चल सकता है, आराम से चल सकता है। तो चलिए, जब हम इसको इसके पावर को 2 इंटू टू कर दिए तो हम तुरंत दिमाग लगाएंगे, जो पहला नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे हम, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए, तो ये 2 और ये 2 अलग अलग हो गया, इसको 4 को हम ब्रेक किए तो अब हम क्या करेंगे, 2 के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे स्क्वायर वाले, उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 का स्क्वायर करेंगे, और ये प्लस है, प्लस है तो साइन माइनस डालेंगे, और ये स्क्वायर का 2 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करके हम कितना आएगा, 3 3 9 - 2 = 7, ये हमारा 7 आया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये 7 को हम फिर लिखेंगे और इसको हम, ये जो बचा हुआ स्क्वायर था इसको हम स्क्वायर करेंगे और माइनस माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो हमारा क्या बन के आएगा, 7 7 49 - 2 - 2 49 - 2 47, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी हमारा 47 आंसर हो जाएगा। कैसे किए, ध्यान से देखिए, बस 4 को हम 2 इंटू 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, और हम पहला जो क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे स्क्वायर वाले, उसी को हम, उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज किए। क्या किए, इस स्क्वायर के साथ इसको, इसको हम करेंगे 3² - 2 एक के साथ, उसके बाद जो वॉल्यू सॉल्व करके आएगा 7, फिर उसको हम स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करेंगे तो -2, क्योंकि साइन प्लस प्लस है तो माइनस डालेंगे, और स्क्वायर का 2 = 49 - 2 = 47, समझ गए। चलिए अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एक्स टू द पावर 4 वाले, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी आसान है, ध्यान से जरूर देखिए, जब एक्स टू द पावर 5 वाले क्वेश्चन आए तो हम इसको जैसे 4 को हम ब्रेक किए थे 2 * 2 में, तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे किस में, 2 * 3 में, 2 * 3 में, जिससे 5 उड़ जाए। तो 2 * 3 में 4, आप बोलिएगा 4 * 1 में क्यों नहीं ब्रेक करेंगे, तो इसको हमको ब्रेक इस प्रकार नहीं करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी ले जाना है, अगर 4 * 1 में करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो 2 और 3 में ब्रेक किए हैं, तो अब हमको क्या करेंगे, पावर के रूप में जाएंगे, तो एक्स टू द पावर 2 और एक्स टू द पावर 3 के रूप में जाएंगे, जैसे हम एक्स टू द पावर 2 के को सॉल्व किए थे, और एक्स टू द पावर 3 को हम जिस तरह से सॉल्व किए थे उस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्स टू पावर 2 को सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 लगाएंगे, तो हमारा सॉल्व करके आएगा 3 3 9 - 2 = 7। चलिए अब हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए,
इसको फर्स्ट मान लीजिए, सॉल्यूशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद ये थ्री वाले, तो थ्री वाले को क्या किए थे, थ्री का जो था तो थ्री के साथ हम क्या किए थे, क्यूब किए थे, और माइनस प्लस प्लस था माइनस, तो इसको इसके साथ क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो थ्री का वो थ्री बार पढ़ेंगे तो थ्री ज़ा नाइन, तो ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन, तो हमारा ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन क्या कितना आता है, एटीन, एटीन। तो अब ध्यान देखेंगे क्या करना है यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इस दोनों को 18 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 17 और माइनस 3 लगाएंगे, माइनस 3 लगाएंगे। तो चलिए अब इसको करते हैं गुना, 18 इंटू 7 कितना होगा हमारा, 126 माइनस 3 इक्वल टू 123, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा 123 है, तो आंसर हमारा 123 आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि इस तरीके का शॉर्ट ट्रिक हमारे चैनल पर हर हमेशा आता रहेगा।